आप भी कमाएं और नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज। अभी भी खबर रोहतास जिले के सासाराम से आ रही है, जहां जिले के तमाम छोटे बड़े व्यवसायियों के द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसाय संघ का एक गठन करना, क्योंकि उनका मानना है उनका संगठन नहीं होने के कारण वो कमजोर पड़ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों 3 तारीख को ASP रोहतास के द्वारा रोजारोड स्थित मॉडर्न रॉयल होटल में छापेमारी की गई थी, जिसको लेकर होटल व्यवसायियों का कहना है वो सरासर गलत था, क्योंकि उनके यहाँ भारत सरकार के सभी गाइडलाइन का पालन किया जाता है, फिर भी प्रशासन तंग करती है। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं होटल व्यवसायी और क्यों वो एक नए संगठन का। देखिए, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज से 15 दिन पहले DM साहब ने होटल वालों की एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में उन्होंने कहा था कि होटल वाले कुछ जो है शहर को अच्छे तरीके से चलावे और टूरिज्म को बढ़ावा दे, ताकि बाहर से कस्टमर्स, बाहर से टूरिस्ट आवे, आप भी कमाएं और प्रशासन को भी मिले और सरकार को भी जो है इसका बेनिफिट मिले, जिस रूप में टैक्स के रूप में मिले, GST के रूप में मिले, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, यह एक प्रोविजन था। DM साहब से मिलकर हम लोगों ने यह बात कहा था कि आप सर यह बताइए कि आप आते हैं राजगीर से, राजगीर में कोई टूरिज्म का जगह नहीं है, बट प्रशासन को उतना आप व्यवस्था है, DM का वहाँ नज़र है और वहाँ एक गाइडलाइन है, वहाँ एक गाइड आपका खड़ा है, तो वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। आप सासाराम में क्या दे रखे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से कोई टूरिज्म नहीं, आप गाड़ी रखो, व्हीकल रखो और टूरिस्ट को वहाँ पहुँचाओ। तो हमने यह कहा था, हम लोगों ने, सारे लोगों ने यह कहा था कि सर यह काम प्रशासन का है, आप इसको कहिए। इस बीच यह बात होगी तो हम लोग उनके गाइडलाइन पे कहने के अनुसार, जैसा कि हमारे अनिल जी ने अभी कहा है, उसमें रेफरेंस दे दो कि DM साहब के ऑर्डर को पालन करते हुए हम लोगों ने कंटिन्यूटी बना लिया है। इनका यह सुनना, मैं सहमत हूँ इनके बात से, तो उनके गाइडलाइन के अनुसार यह कमेटी आज बन रही है और कमेटी बनने का उद्देश्य यह है कि हमारे होटल वाले जितने भी संचालक हैं उनको किसी तरह का